हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजित शुक्ला। अब कई लोग ये भी मिथ की बात कर रहे हैं, तो मिथ ये भी है, कहते हैं IVF कराने जा रहे हैं यार, पता नहीं कितने दिन भर्ती होना पड़ेगा, काम नाम भी छोड़ो, पता आना जाना भी हो, बीवी को भी छोड़ना पड़ेगा, एक आदमी अलग से रुके, साथ में औरत अलग से रुके। भाई देखो, इतना ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये समझो IVF करा के हो रहा, IVF करा रहे हो खुद को बच्चा पाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगा। लेकिन जिसके लिए ये हमने क्वेश्चन लेके चले कि IVF में आपको भर्ती होना पड़ेगा, भर्ती हो गए चाचा, लेकिन केवल डे केयर के लिए, मतलब सवेरे 10 बजे आए, 10 बजे आपको खाली पेट आया, एनेस्थीसिया दिया गया, आपके अंडे निकालने का ऑपरेशन किया गया, अंडे निकाले गए, 2-3 घंटे बाद एक्सपी करके जब तक आपका पेशेंट रिकवर हो जाता है, आप उसको लेकर के घर जा सकते हो, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर IVF के लिए आप तैयार हो गए हो तो आपको ढेर सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपको मल्टीपल डेज के लिए, आप एडमिशन के लिए कोई नहीं बोलेगा। IVF इज अ डे केयर प्रोसेस। जब आप अंडे निकालते हो तब आपको मेनली अस्पताल में होना होता है, क्योंकि 3-4-5 घंटे में आप होश में आ जाते हो और घर जा सकते हो। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, अगर आपका मौके की दिक्कत नहीं है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसमें भी आपको दिक्कत की बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बिकॉज एम्ब्रियो ट्रांसफर जनरली 1, 2 या 3 एम्ब्रियो का ही करते हैं, जो भी तुम्हारे पास बेस्ट अवेलेबल होता है उसके हिसाब से ही हम लोग इस चीज़ को प्लान करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग निकाल दो, IVF में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल में पड़े रहो, 2-4 दिन एडमिट रहो, इस प्रॉब्लम का ये इलाज है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सवेरे आओ, अपना ऑपरेशन कराओ, शाम को चलते हुए अपने घर जाओ। तो IVF इतनी ज़्यादा सुविधाजनक चीज है, कई सारे लोग, अब तो मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ कि मतलब इतने सारे लोगों ने उनकी जीवन को IVF में बदला है। तो दोस्तों बी पॉजिटिव फॉर IVF, और इससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई और क्वेरी है आपको तो 8417044 से बात करो, हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको भी मजा आएगा और मेरे भी कॉन्टैक्ट किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।